नयन आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में टीचरों की बम्पर वैकेंसी 1,00,000 वैकेंसी फिर से आने वाली है। 1,72,000 टीचर के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी होकर पूरी प्रोसेस चल रही है एग्जाम लेकर के, जबकि अब फिर से अक्टूबर माह में जो है 1,00,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बीच में 52,000 के वैकेंसी आएगी और कक्षा 9 से 12 के लिए लगभग 50,000 वैकेंसी आएगी, ऐसा जो है विभिन्न पेपरों के माध्यम से सरकार के द्वारा बताया गया है। अब आपके लिए यह गोल्डन चांस है कि आप इस बार वैकेंसी में एक पद अपना सीट रिजर्व करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए अभी से ही मेहनत करना होगा। जो बच्चे का सिलेबस पूरा होगा, जो उन बच्चों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, उनका एक सीट निकलना तय है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी जब आ रही है तो आप इसमें वैकेंसी अगर नहीं ले पाए तो आप कभी भी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी मात्रा में भर्ती फिर से आएगी कि नहीं आएगी इसकी संभावना नहीं है। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। अगर आप एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी टीचर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण सिलेबस की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट समय में आपको लगता है कि 1 महीने का 15 दिन का और समय मिल गया होता तो मैं अच्छी तैयारी कर लिया होता, ये हर बार एग्जाम देने के बाद आपको लगेगा। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम आपका एक सीट जरूर निकल जाएगा अभी से तैयारी करेंगे तो। अदरवाइज हमेशा पछताते ही रहेंगे कि मुझे और समय मिल गया था, क्योंकि तैयारी 100% कभी कंप्लीट नहीं होती और 100% कट ऑफ कभी नहीं जाता। तो आपकी तैयारी कट ऑफ पार होनी चाहिए, आपकी नंबर जो है कट ऑफ पार होने चाहिए। इसके लिए आपको अभी से ही टाइम शेड्यूल बना करके पढ़ना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। इन वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप अभी से पढ़ाई करना चालू कर दें, जिनका कि शैक्षिक योग्यता टीचर के लिए है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।